कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। हुमला जिले में चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोला और कर्नाली नदी का रुख मोड़कर 10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर ली है। वहीं तिब्बत में निर्माण गतिविधियों के चलते सिनजेन, भुरजुक और जम्बुजा खोला के रुख में हुई बदलाव से रसुआ के 6 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अपना रोड नेटवर्क लगातार बढ़ाई जा रही है। इसमें कई नदियों और उप नदियों का रुख बदल गया है और वे नेपाल की तरफ बहने लगी है। नदियों के इस बहाव से नेपाल के कई जिलों की सीमा धुंधलाने लगी है। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही नेपाल की बड़ा भूभाग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ा नजर आने लगेगा। यह भी संभव है कि चीन वहाँ सीमा चौकियाँ स्थापित करने लगे। 1960 के दशक में हुए सर्वे के बाद नेपाल ने चीन के साथ सीमा निर्धारण के लिए सिर्फ 100 पिलर का निर्माण किया। वहीं भारत से लगती सरहद की बात करें तो पिलर की संख्या करीब 8,553 के करीब है और इसी भरोसा की वजह से चीन ने नेपाल के पीठ पे खंजर भोंका। नेपाल में बसे चीनी भारत के सीमावर्ती इलाके की गुप्त सूचनाएँ भेज रही है सीमा के पार। 14 देशों से लगती है चीन की सरहद, 23 देशों की जमीन हथियाई या फिर उस पर कब्जे की फिराक में। 1934 में पूर्वी तुर्किस्तान तो 1950 में 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला कर कब्जा जमाया। 1945 में इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हथियाई, ताइवान की 35,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नजर। नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर हांगकांग पर पकड़ बनाने की मंशा, दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर के द्वीपों पर ठोकता दावा।